परफॉर्मेंस में बहुत बेटर है स्कूटी, चलाने में भी काफ़ी पंची फील होती है और जो है पावर भी ज़्यादा मिलती है, एग्जॉस्ट नोट भी बेटर है। आपका पैसा है भाई, जिस चीज़ में लगाना है लगाओ, बट स्टिल अगर रिलायबल चाहिए तो रिलायबल है आप। तो आज हमारे सामने खड़ी हैं इंडिया की दो स्पोर्ट्स स्कूटर, जो यूथ को बहुत पसंद आती है, कॉलेज गोइंग और जो यंगस्टर हैं उनकी बहुत डिमांड रहती है इन स्कूटी की। तो आज वही कंपैरिजन करने वाले हैं और जो कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी बेस्ट है वो दूर करूंगा मैं। और आपको बता देता हूं, मैं इधर खड़ी है हमारे पास TVS Ntorq और इधर खड़ी है आपकी होंडा की डियो। तो दोनों ही 125 cc के स्कूटर्स हैं, बट पावर में फ़र्क है, प्राइसिंग में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। और कौन सी आपके लिए ओवरऑल बेस्ट रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, कौन सी ज़्यादा रिलायबल रहेगी, फ़ीचर्स इसके एक्सप्लेन करूंगा। और YouTube पे ऐसी कोई भी वीडियो नहीं पड़ी है जिसमें दोनों का बताया है आपको कि कौन सी बेस्ट है, तो कंपैरिजन इसका शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोनों की कीज़ दिखा देता हूँ। तो ये आ जाती है Ntorq की, थोड़ी भारी की लगती है इसकी, बड़ी सी की है। और यहीं आ जाती है डियो की, तो ये वही सेम एक्टिवा जैसी की है। तो पहले दोनों का ओवर लुक दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले शुरू करते हैं Ntorq से। तो ये Ntorq का जो है रेस एडिशन खड़ा है, तो फ्रंट से बात कर लेते हैं। फ्रंट से आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, दो इंडिकेटर और एक ये छोटा सा वाइज़र, रेड कलर और ब्लैक कलर में है ये। तो कलर स्कीम आपको बहुत सारी मिल जाती हैं, रेस एडिशन, वकांडा एडिशन, बहुत सारे एडिशन आते हैं इसमें। तो कलर्स की आपको, कलर्स और पूरे ग्राफिक्स के आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। सामने TVS का एक लोगो मिल जाएगा, पूरी ब्लैक है। नीचे देखेंगे तो DRLs और LED हेडलाइट्स, नीचे इसकी हेडलाइट की जो प्लेसिंग है दोनों की ही नीचे है। तो जो इस टाइप के स्कूटर्स आते हैं, मैंने नोटिस किया कि उनकी हेडलाइट जो है इसी टाइप की होती है। तो बेसिकली जो स्पोर्ट्स स्कूटर हैं इंडिया में वो काफ़ी कम है, लिमिटेड ही चॉइस है आपके पास। एक आपकी सुजुकी की एवनिस आ जाती है, एक TVS की Ntorq आ गई और एक होंडा की डियो और एक आध और स्कूटर्स हैं जो कि इस 125 cc में फॉल करते हैं। बट 155 cc में एक यामाहा का स्कूटर आता है, उसमें R15 का इंजन आता है भाई। तो अगर बिल्कुल ही आपको स्कूटर में बेस्ट टू बेस्ट चाहिए तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। सो फ्रंट से बात हो गई है, आपको LED हेडलाइट मिल जाएंगी, पूरे DRLs मिल जाएंगे। सामने मडगार्ड की बात करें तो ऊपर आपको फिनिश मिल जाएगी, मैट फिनिश, इधर ग्लॉसी राइड मिल जाएगा। व्हील की बात कर लेते हैं तो अलॉय व्हील दोनों में मिलते हैं। पैटर्न आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का पैटर्न है इसका। इधर आपको मिल जाएगा डिस्क ब्रेक, तो ये रेस एडिशन है तो इसमें डिस्क ब्रेक भी आता है। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन मिल जाएगा आपको, रेस ट्यून्ड की बैजिंग है, रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन है इसमें। तो ये फ्रंट से कुछ बात हो गई है। और इधर आपको हैंड ब्रेक जो मिलेगा इसका काफ़ी अच्छा है, ये देखो काफ़ी सही सा हैंड ब्रेक है, तो हैंड ब्रेक मिल जाएगा इधर। बाकी साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा थोड़ा, मतलब स्पेस मतलब ज़्यादा है नहीं, मतलब ठीक है, थोड़ा कम लग रहा है। यहाँ से काफ़ी एजी स्कूटी है, देख सकते हैं आप इसका लुक। ये आ गया आपका स्विच, ये हुक आ जाता है, यहाँ पे आप कुछ टांग सकते हैं। और मैक्सिमम वेट है इस पर 3 किलो लिखा है भाई इस पर, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही टांग सकते हैं 3 किलो से। तो और सामने बात कर लेते हैं तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये आपको हाई बीम लो बीम का बटन मिल जाता है, पास का भी है, इंडिकेटर का मिल जाएगा, बीच में ऑफ करने का बटन, हॉर्न स्विच, इधर इग्निशन टर्न ऑन एंड ऑफ का ये बटन, उसका आ गया हैजार्ड लाइट्स का, और ये आ गया आपका सेल्फ। तो ये हो गई सामने से फीचर्स की बात। ये मोड और सेट का आ गया, मतलब यहाँ के जो आपके कंट्रोल हैं, कंट्रोल बटन्स ये हैं, तो ट्रिप वगैरह सेट करनी हो तो यहाँ से हो जाएगी। बाकी बात करते हैं थोड़ी साइड से, तो साइड से कुछ इस तरह का लुक इसका आ जाता है। Ntorq की बैजिंग आ जाती है, 125 रेस एडिशन, वही सब काफ़ी अच्छा लुक दे रही है पीछे से। तो ये दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा। अब आते हैं एग्जॉस्ट पे, पहले एक और चीज़ दिखाता हूँ, अटेंशन टू डिटेल देखो। इसका पंखा भी इन्होंने रेड दिया भाई, क्योंकि रेस एडिशन ने तो रेड पंखा दे दिया। और यहाँ से आपको पूरा इसका एयर फिल्टर वगैरह उधर बड़ा सा मिल जाता है, काफ़ी बड़ा एयर फिल्टर होता है इसका। इधर देखेंगे तो बहुत बड़ी सी टिप है इसकी एग्जॉस्ट की भाई, बट लिटरली अगर स्कूटी में इस प्राइस सेगमेंट में कोई अगर एग्जॉस्ट नोट है तो वो इसी का है, बहुत अच्छा एग्जॉस्ट नोट है। पीछे से लुक दिखाऊं तो कुछ इस तरह से लुक आ जाता है। टी शेप टाइप की आपको यहाँ पे LED मिल जाएगी, पूरा फुली LED है ये,
और ये जो है एयर वेंट्स की तरह लुक आ जाता है इसका। तो नो डाउट स्कूटर बहुत स्पोर्टी है, बहुत स्पोर्टी, बट असल में बात आ जाती है कि वैल्यू फॉर मनी कौन सा है और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा ज़्यादा रिलायबल रहेगा, तो वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं भाई। पीछे से आपको पूरा सस्पेंशन का सेटअप मिल जाएगा, एयर फिल्टर देखो एक बार, बहुत बड़ा एयर फिल्टर है ये, पूरा दिखता है यहाँ से, एंड यहाँ पे आपको आ जाएगा इसका फ्यूल लिड। तो ये फ्यूल लिड का हो गया, बाकी डिग्गी विग्गी जो है इसकी यहीं से खुलेगी, तो फ्यूल और डिग्गी दोनों यहीं से खुलती हैं। ये देखो ये खुल गई यहाँ से, तो उतर के ही खोलनी पड़ेगी भाई, मतलब वहाँ से नहीं खोल सकते। डिग्गी भी यहीं से खुलेगी, वही ओल्ड स्कूल वाला सीन है। तो साइड से लुक चेक करा देता हूँ, तो वही सेम यहाँ पे भी बैजिंग मिल जाएगी आपको और इस तरह सा कुछ लुक आ जाता है। बाकी पूरी स्कूटी दोनों स्टॉक हैं, तो मॉडिफिकेशन का बहुत स्कोप है दोनों में। अगर शीशे देखें तो वही प्लास्टिक के बेसिक वाले आते हैं, और इसमें स्मार्ट एक्स कनेक्ट, मतलब आपका फ़ोन वगैरह कनेक्ट हो जाएगा, तो इसमें सेट कर सकते हैं आप। जैसे कि ये अभी जिसके ओनर हैं या अनुराग की स्कूटी है, तो यहाँ पे लिख के आएगा हेलो अनुराग। तो ये हेलमेट का साइन दे रही है, स्टैंड साइड स्टैंड ऑन, और ये दोनों इंडिकेटर, इसको ऑफ करते हैं तो ये ऑफ होगा। यहाँ से लगभग 8000 चल चुकी है, टाइम दिखा रही है, हीटिंग दिखा रही है, ट्रिप हो गया, लैप टाइम, ये स्पोर्ट्स मोड आ गया इसका, ये टॉप स्पीड दिखा रही है लास्ट। तो ये वही जैसे अपाचे में बहुत सारे फीचर आते थे वही सब है, इको पावर वाला दिखा रही है, बट इसमें वो नहीं है आपका आरपीएम मीटर नहीं है। तो ये हो गई लुक की बात, अब इधर चलते हैं, इसकी लुक की बात कर लेते हैं। चाबी दिखा चुका हूँ मैं, इस टाइप की है, बाकी इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत पहले ला चुका हूँ, तो एक बार आप चैनल पे जाके मेरे देख सकते हैं। तो लुक देखें, कलर इसका बहुत ज़्यादा क्लीन है, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे स्टिकरिंग वगैरह है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत क्लीन लुक है। सामने आपको दो DRLs मिल जाते हैं बर्ड शेप के, थोड़ी आईज़ लगती हैं, काफ़ी शार्प आपको DRLs मिलते हैं यहाँ पे। ब्लैक कलर का वाइज़र, क्लीन लुक एकदम, जो नार्डो ग्रे कलर आता है वही सेम कलर है। तो स्कूटी दोनों थोड़ी गंदी हो रही हैं, तो उसके लिए थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी यहाँ पे LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं, इंडिकेटर्स इधर, तो वही है इन दोनों स्कूटियों का फेशिया बहुत बड़ा है नीचे से, और जो ये इंडिकेटर्स और हेडलाइट्स हैं इसके सब पूरी प्लेसिंग नीचे ही है। बाकी इधर मडगार्ड पूरा सेम कलर में मिल जाता है, बॉडी के कलर में। टायर्स का अगर थ्रेड देखोगे तो दोनों का अलग है। अब व्हील देखते हैं, व्हील वही 125 एक्टिवा में जो आता है वही वाला व्हील है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से लुक आ जाता है इसका, स्कूप टाइप लुक है थोड़ा, ये देख सकते हैं इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, इसका कुछ इस तरह से और इसका इस तरह से कुछ लुक है। बाकी मीटर देखें, मीटर दोनों का कम्प्लीटली अलग है, थोड़ा ग्रेजिया जो आती थी उस तरह से मीटर है इसका। बाकी एक बार दिखा देता हूँ, तो उसके की में आपको काफ़ी ज़्यादा स्विच मिल जाएंगे, यहाँ से सीट और फ्यूल ओपन हो जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाता है। और ये RPM मीटर भी दिखाती है, और माइलेज भी रियल टाइम माइलेज वगैरह भी दिखाती है। देखो 41 का माइलेज दे रही है, पहले ये 35 तक का निकाल रही थी, तो बढ़ गया है माइलेज थोड़ा सर्विस के बाद, तो माइलेज थोड़ा कम ही रहता है इन स्कूटी में, बट फिर भी बेरेबल माइलेज है। बाकी यहाँ से देखें तो एक होंडा की बैजिंग नीचे आपको मिलेगी, क्लीन सी एकदम स्कूटी है पूरी। ये एक एनहेंस स्मार्ट पावर की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी, बाकी नीचे ब्लैक्ड आउट इंजन पूरा। एंड बात करते हैं, तो यहाँ DO 125 लिखा हुआ है। इसकी जो ये लिड थी, ये मैंने पहले भी बताया था, बहुत लो क्वालिटी की थी। एक बार इसे ऑन करके दिखाता हूँ मैं, तो ये बहुत पतली क्वालिटी की, और वो भी इसका जो फ्यूल की पोजीशनिंग है वो भी काफ़ी नीचे है, तो ये इतना एरिया इसका बहुत लो क्वालिटी का लगता है मुझे। बाकी साइड से बात कर लेते हैं, तो पूरी क्लीन है एकदम। इस एग्जॉस्ट में दो टिप मिलती हैं, पीछे से बात करें तो इसमें LED वगैरह लाइट्स कुछ नहीं मिलती, नॉर्मल वाली LED आपको हेलोजन बल्ब्स मिलेंगे। ये आपके आ गए दो एग्जॉस्ट के टिप्स, तो एग्जॉस्ट भी सुनाऊंगा दोनों की, और परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है किसकी नहीं वो भी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इन दोनों की स्पेसिफिकेशंस की। गाड़ियाँ मैंने दोनों दिखा दी हैं आपको, तो लुक वाइज पर्सनल चॉइस है कौन सी ज़्यादा बेटर है, बट अगर देखा जाए फीचर्स और लाइट वगैरह देखा जाए तो उसमें ज़्यादा सही मिलती हैं, बट दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छी स्कूटी हैं, एक तरफ इंडियन ब्रांड और एक तरफ जैपनीज़, तो ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है। और एंड टॉर्क में यहाँ भी आपको 125 रेस एडिशन मिल जाएगा। तो अब जल्दी से इनकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, प्राइसिंग की बात कर लेते हैं।
तो हमारे पास जो होंडा डियो खड़ी है वो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है 83,850 रुपीज़ के करीब आता है, मतलब 84,000 मान के चलो। और उधर जो रेस एडिशन आपका TVS Ntorq है तो उसका प्राइस आ जाता है 90,000 के करीब। अब इसको हम अगर ऑन रोड लगा लें तो 1,06,000-1,08,000 के करीब पड़ेगी आपको Ntorq, और ये पड़ेगी 98,000 या फिर ऑन रोड पड़ेगी 1,05,000 के करीब की, सही है। तो ये लगभग प्राइस डिफरेंस है, मतलब ये 1,10,000 की ही मान के चलो आप TVS Ntorq, और ये आप मान के चलो 1,05,000 की, तो मतलब 5,000-6,000 का मोटा मोटा डिफरेंस है। वेरिएंट अगर मैं बात करूँ, ये स्टैंडर्ड है और ये जो है रेस एडिशन, तो वेरिएंट ध्यान में रखना। बाकी माइलेज की बात करते हैं, माइलेज आपको कंपनी क्लेम करती है Ntorq का 45, बट आराम से 40-45 आराम से निकाल देती है। इधर ही बात करें तो ये निकालती है, ये भी 40 तक ही निकालती है, कंपनी 50 क्लेम करती है। तो इन स्कूटीज़ में थोड़ा माइलेज का कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा आपको। एंड पावर की बात कर लेते हैं, तो भाई पावर आ जाती है आपकी Ntorq में ज़्यादा आ जाती है, 9.5 हॉर्स पावर है भाई, और उसमें 8.28 है, तो सीधे सीधे 1 हॉर्स पावर का फ़र्क है भाई, और वो फील भी होता है। और जो Ntorq है वो 9.5 हॉर्स पावर 7,000 RPM पे निकाल देती है, और यही 8.5 हॉर्स पावर निकाल देती है 6,250 RPM पे, तो ये फ़र्क है। बाकी दोनों का इंजन फ्यूल इंजेक्टेड है और 4-स्ट्रोक इंजन है दोनों में ही। CC की बात करें तो 125 दोनों सिलेंडर दोनों में एक आता है, दोनों ही एयर कूल्ड इंजन है, दोनों में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, ब्लूटूथ दोनों में मिल जाता है। ब्रेकिंग की बात करें तो आपको इधर मिल जाती है कॉम्बी ब्रेकिंग, और उधर मिलती है सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग, तो दोनों ही सेम काम करती हैं। बाकी जो एक्सेलरेशन है Ntorq का, वो लगभग 18 सेकंड में 0-100 पहुंचती है, तो 0-80 सॉरी जो क्लेम्ड है। तो इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है थोड़ी सी ज़्यादा Ntorq की मिल जाती है, लगभग 6 लीटर की, और उसमें मिलती है 5.3 लीटर की, तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो ये तो रहा ऑन पेपर इसका पूरा कंपैरिजन। बाकी एग्जॉस्ट नोट वगैरह सुना देता हूँ दोनों स्कूटीज़ का। तो एग्जॉस्ट नोट नो डाउट Ntorq का ज़्यादा बेटर है, तो एक बार सुनाते हैं Ntorq का। तो स्टैंड पे ये स्टार्ट होगी नहीं, बेस है भाई इसके एग्जॉस्ट में, बहुत बेस, मतलब काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट है स्कूटी में, वन ऑफ द बेस्ट एग्जॉस्ट कह सकते हैं। इधर सुना देता हूँ डियो का, साइलेंट स्टार्ट मिल जाता है इसमें, उसमें नहीं मिलता। Ntorq के कंपैरिजन में भाई कोई एग्जॉस्ट नहीं, Ntorq का ज़्यादा बढ़िया एग्जॉस्ट नोट है। बाकी RPM मिल जाता है, RPM मीटर इसमें उसमें नहीं मिलता, रियल टाइम माइलेज भी दिखा रही है। तो ये रहा कुछ इसका डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट आपकी डियो ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि जैपनीज मशीनरी है, वहीं इंडियन मशीनरी है। स्कूटी वो भी अच्छी है, बट उसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती हैं, काफ़ी लोगों से मैंने कंप्लेंट सुन ली, क्योंकि अब भाई हमारे बैचमेट पे भी है एक पे, तो उसका इंजन भी सीज़ हो चुका है एक बार, तो उन्हें रिन्यू कराया पूरा इंजन, और नई स्कूटी है वो, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इतनी रिलायबल एस सच है नहीं जितनी की आपकी मिल जाती है होंडा की। तो होंडा के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा रिलायबल रहते हैं, जैपनीज रहते हैं। यहाँ पे TVS की बाइक्स भले ही सही होती हैं, बट स्कूटर्स इतने बेटर नहीं होते। बाकी परफॉर्मेंस में बहुत बेटर है स्कूटी, चलाने में भी काफ़ी पंची फील होती है, और जो है पावर भी ज़्यादा मिलती है, एग्जॉस्ट नोट भी बेटर है। बट अगर ओवरऑल देखें लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेटर आपकी डियो है। बाकी पर्सनल चॉइस है आपकी, जो भी है चला के देखो, जो आपको बेटर लगे, आपका पैसा है भाई, जिस चीज़ में लगाना है लगाओ, बट स्टिल अगर रिलायबल चाहिए तो रिलायबल है आपकी डियो Ntorq से। तो मेरा काम बताने का था भाई, मैंने बता दिया है कौन सी ज़्यादा रिलायबल है, बाकी आपकी चॉइस। तो बाकी परफॉर्मेंस में नो डाउट Ntorq अच्छी है, तो हर चीज़ तो आपको मिलेगी नहीं, तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई लेती ख़राब हो जाए कुछ हो जाए, केयर करोगे तो कहीं नहीं जाएगी, बट स्टिल लॉन्ग टर्म में आपको बेटर रिजल्ट देगा
डियो। तो ये थी कुछ इसकी डिटेल्स। बाकी YouTube पे ऐसी कोई वीडियो पड़ी नहीं है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक ज़रूर करना भाई, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट अपना बहुत कम है, तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस बाइक या स्कूटी पे बनाऊँ, तो ज़रूर बताना नेक्स्ट टॉपिक भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।